हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एसेंशियल की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 2021 की, जो नई हायरिंग प्रोसेस आई है एसेंशियल की तरफ से, उसके बारे में बताऊंगा। आज हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसेंशियल की जो नई हायरिंग प्रोसेस आई है उसमें उन्होंने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, लेटेस्ट उनका नया टेस्ट पैटर्न क्या है, पूरी स्टेजेस जो होगी हायरिंग की वो मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा समझाने वाला हूँ। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होगी एसेंशियल टेस्ट के लिए, यहाँ पे रोल्स और सैलरी इंफॉर्मेशन आपको क्या रहेगा यहाँ पे उसके बारे में, इसके साथ साथ आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए एसेंशियल के रजिस्ट्रेशन के टाइम, पूरा आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखेगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एसेंशियल की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है कि हायरिंग प्रोसेस जल्द ही शुरू हो जाएगी। जब भी हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो एग्जाम डेट आएगी, तो मैं आपको बता दूंगा कि इस दिन पर्टिकुलर एग्जाम डेट है, मैं आपको अपडेट दे दूंगा उसके बारे में। मैं आपको पूरी प्रोसेस भी बता दूंगा कि उस टाइम आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एसेंशियल की हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है कि इस साल उन्होंने रिक्रूटमेंट में क्या चेंजेस किए हैं, क्या उन्होंने इसमें नया ऐड किया है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एसेंशियल कंपनी के बारे में देखेंगे, इसी के साथ साथ फिर सेकेंड पॉइंट हायरिंग प्रोसेस और एलिजिबिलिटी, लेटेस्ट, इसी के साथ न्यू टेस्ट पैटर्न, फोर स्टेजेस ऑफ हायरिंग, न्यू प्रोसेस, सारी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होना चाहिए एसेंशियल टेस्ट के लिए और रोल्स और सैलरी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं एसेंशियल कंपनी के बारे में। एसेंशियल कंपनी एक मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी है जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल इन बड़े बड़े चीजों में काम करती है। ये एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है और ये डुबलिन आयरलैंड सिंस 1 सितंबर 2009 से इनकॉर्पोरेटेड हुई है। इंडस्ट्री प्रोफेशनल सर्विसेज 1989 में फाउंड हुई थी, इसी के साथ 30 ईयर्स हो गए हैं इस इंडस्ट्री को। करंट सीईओ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। एसेंशियल्स के बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, एसेंशियल बहुत अच्छी कंपनी है। एज अ फ्रेशर आपके लिए वहां पे बहुत अच्छी जॉब रहेगी। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, एसेंशियल का जो हायरिंग प्रोसेस का नेक्स्ट पॉइंट है वो है हायरिंग प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी। अब सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हायरिंग प्रोसेस देखेंगे। एसेंशियल की जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, वो भी एवरेज जो दूसरी कंपनीज होती है उनकी तरह ही है, जो 2021 पास आउट स्टूडेंट्स होने वाले हैं उनके लिए। यहाँ पे डिग्री आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिग्री एलिजिबल रहेगी बीई, बीटेक, एमसीए। एलिजिबल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है, सारी स्ट्रीम सारी ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है। आप 2021 में पास आउट होना चाहिए और आप बीई, बीटेक या एमसीए कर रहे हो। बैकलॉग रिलैक्सेशन उन्होंने बताया कि नो एक्टिव बैकलॉग अलाउड, उन्होंने एक्टिव बैकलॉग अलाउड नहीं बताया, आपका एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्लियर होना चाहिए पूरा। फिर रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिनिमम ऑफ 65% और 6.5 CGPA। जी हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, 65% यहाँ पे हो गया है और 6.5 CGPA हो चुका है, तो यहाँ पे मिनिमम आपके 65% होना चाहिए 10th 12th में और 6.5 CGPA होना चाहिए ग्रेजुएशन तक। 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों में आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो इस टाइप से उन्होंने ये एलिजिबिलिटी बताई है, ये बिल्कुल लेटेस्ट हायरिंग प्रोसेस और एलिजिबिलिटी है। अब हम हायरिंग प्रोसेस की बढ़ते हैं। हायरिंग प्रोसेस में दोस्तों उन्होंने मल्टी स्टेज हायरिंग लेवल्स बताया है 2021 बैच स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मल्टी स्टेजेस हायरिंग आपको देखने को मिलेगी, सारी स्टेजेस आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। फोर स्टेजेस हैं यहाँ पे। सबसे पहली है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, दूसरी है कोडिंग, तीसरी है कम्युनिकेशन टेस्ट, चौथा है एचआर इंटरव्यू। अब ये एसेंशियल कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट इज एन एलिमिनेशन राउंड वेयर एज द कैंडिडेट आर नॉट एलिमिनेटेड इन द नेक्स्ट टू राउंड, एसेंशियल कोडिंग टेस्ट एंड एसेंशियल कम्युनिकेशन टेस्ट। द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट विल बी टेकन इनटू फॉर फाइनल सिलेक्शन। अब दोस्तों ये चीज क्या है कि ये जो कॉग्निटिव टेक्निकल असेसमेंट और कोडिंग जो है दोस्तों, ये टेक्निकल असेसमेंट कोडिंग ये जो है ये फर्स्ट पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट असेसमेंट का पार्ट है, कम्युनिकेशन टेस्ट सेकेंड है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो अब सबसे पहले हम हायरिंग प्रोसेस में देख लेते हैं कि हायरिंग प्रोसेस में उन्होंने चार पार्ट क्या रखे हैं।
सबसे पहला जो टेस्ट सेक्शन रहेगा उसमें कॉग्निटिव एबिलिटी है, जिसके आपको 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 90 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा। और वो ही ये अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉग्निटिव एबिलिटी और टेक्निकल असेसमेंट है, ये एलिमिनेशन राउंड है। एलिमिनेशन मतलब इसको आपको निकालना जरूरी है, अगर आप इसमें नहीं क्लियर होते तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों ये जो है ये एलिमिनेशन राउंड है कॉग्निटिव एबिलिटी टेक्निकल असेसमेंट। चार स्टेजेस हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चार स्टेजेस हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी, टेक्निकल असेसमेंट, कोडिंग और कम्युनिकेशन टेस्ट। उसके बाद इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू सबसे लास्ट होगा। कॉग्निटिव एबिलिटी और टेक्निकल असेसमेंट एलिमिनेशन राउंड के अंदर आते हैं। यहाँ पे टोटल आपको 90 मिनट्स रहेंगे, 50 क्वेश्चंस कॉग्निटिव एबिलिटी के रहेंगे और टेक्निकल असेसमेंट के 40 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल यहाँ पे आपको 90 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलेगा और ये एक एलिमिनेशन राउंड है, इसको आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते तो फिर आप नेक्स्ट राउंड में नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ अब ये जो कोडिंग और कम्युनिकेशन टेस्ट है ये नॉन एलिमिनेशन राउंड के अंदर आता है। कोडिंग में दोस्तों 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, वहां पे 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। और कम्युनिकेशन टेस्ट में उन्होंने कोई क्वेश्चंस नहीं बताए, ये 30 मिनट्स का रहेगा अप्रोक्स। दोस्तों इस टाइप से कम्युनिकेशन टेस्ट होगा। तो ये चार स्टेजेस है, कॉग्निटिव एबिलिटी, टेक्निकल असेसमेंट, कोडिंग और कम्युनिकेशन टेस्ट, और इस टाइप से उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अब हम देख लेते हैं, इनको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। फर्दर सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो आएगा फर्स्ट असेसमेंट में, हम देख लेते हैं। फर्स्ट असेसमेंट में आपके 2 स्टेजेस रहेंगे, एक कॉग्निटिव एबिलिटी एंड टेक्निकल राउंड और एक कोडिंग राउंड रहेगा। जो मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव एबिलिटी, टेक्निकल असेसमेंट और कोडिंग, ये पूरा फर्स्ट असेसमेंट है। सेकेंड असेसमेंट कम्युनिकेशन है और लास्ट इंटरव्यू रहेगा। अब ये कॉग्निटिव एबिलिटी एसेंशियल के सेक्शंस हैं, ये पूरे तीनों कॉग्निटिव एबिलिटी, टेक्निकल असेसमेंट, कोडिंग राउंड फर्स्ट असेसमेंट के अंदर आते हैं। अब इसमें ये जो कोडिंग राउंड है ये नॉन एलिमिनेशन है, आप इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। कॉग्निटिव एबिलिटी और टेक्निकल असेसमेंट ही एलिमिनेशन राउंड है और कोडिंग राउंड और कम्युनिकेशन नॉन एलिमिनेशन है। तो कॉग्निटिव एबिलिटी में अब आपको बता दूं, इंग्लिश एबिलिटी से क्वेश्चंस रहेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इनसे क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, 50 मिनट्स पूरे रहेंगे, मतलब आपको इस हिसाब से 50 क्वेश्चंस करना रहेंगे 50 मिनट्स में। टेक्निकल असेसमेंट्स में हम देख लेते हैं, कॉमन एप्लीकेशन और एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, स्यूडो कोड, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी और क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ये पूरी जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे। तो 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मिनट्स में। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड और एमएस ऑफिस और स्यूडो कोड से रिलेटेड यहाँ पे टेक्निकल असेसमेंट्स रहेगा। इसके बाद कोडिंग राउंड रहेगा। कोडिंग राउंड में यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेजेस के बारे में बता रखा है, C++, .NET, जावा, पाइथन। 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 45 मिनट्स का टाइम रहेगा, इस लैंग्वेज में आप कोड बना सकते हैं। वहां पे कोडिंग 2 क्वेश्चन रहेंगे, ये एक नॉन एलिमिनेशन राउंड है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड है वो टेक्निकल असेसमेंट और कॉग्निटिव एबिलिटी ही है दोस्तों। तो इस टाइप से यहाँ पे जो है सेक्शन है। अब हम देख लेते हैं सेकेंड असेसमेंट क्या है। सेकेंड असेसमेंट दोस्तों ये है, सेकेंड असेसमेंट कम्युनिकेशन असेसमेंट है, जो कि इसकी टाइम लिमिट 20 मिनट्स की रहेगी। डिफिकल्टी थोड़ी इसकी मीडियम है, मीडियम डिफिकल्टी इसमें यहाँ पे बताई गई है। तो 20 मिनट्स का कम्युनिकेशन टेस्ट रहेगा आपका। तो ये एक नॉन एलिमिनेशन राउंड है, क्योंकि अगर आप वहां पे क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद आप इन 2 राउंड्स में आ जाएंगे, एक कोडिंग और एक कम्युनिकेशन असेसमेंट में। अब फाइनल आपका फिर इंटरव्यू होगा। आप अगर ये कंप्लीट कर लेंगे टेस्ट, तो जो कैंडिडेट्स कंप्लीट कर लेंगे टेस्ट उनको नोटिफिकेशन आएगा कि वो इंटरव्यू के स्लॉट में पार्टिसिपेट करें। इसी के साथ इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करें, पैनलिस्ट के थ्रू उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। वो आपके SMS पे भी आ सकता है मोबाइल के, इसी के साथ साथ आपको मेल भी आ जाएगा उसका कन्फर्मेशन। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ एसेंशियल टेस्ट के लिए। जो आपके फर्स्ट स्टेजेस है, सेकंड स्टेजेस, थर्ड स्टेजेस, फोर्थ स्टेजेस, फर्स्ट स्टेजेस, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। अब फोर्थ में तो कम्युनिकेशन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में कॉग्निटिव है, टेक्निकल असेसमेंट और कोडिंग है। तो इसके लिए दोस्तों उन्होंने बताया है कि एसेंशियल जो कंडक्ट करवाएगा वो वर्चुअल रिक्रूटमेंट कंडक्ट करा रहे हैं डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पे। ये एक बिल्कुल वर्चुअल रिक्रूटमेंट है जो कि ऑनलाइन होने वाली है। अब यहाँ पे आप ब्लूटूथ हेडसेट और ईयरफोन यहाँ पे अलाउड नहीं है। एंटीवायरस VPN आपको डिसेबल करना पड़ेगा और सारी अदर एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी।
और अगर आपको टेस्ट अटेंड करना है तो आपके पास ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। आपके पास डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, चलेगा। रैम 4 GB से ज्यादा होना चाहिए, 4 GB+ यहाँ पे लिखा हुआ है। वीडियो और ऑडियो, वेबकैम है, माइक इज मैंडेटरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वेबकैम और माइक मैंडेटरी है, जरूरी है, आपको यहाँ पे ऑन रखना पड़ेगा। इसी के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने ये बताया, विंडोज 8 या 10, मैक ओएस एक्स 10.9 और हायर, उससे भी ज्यादा वर्जन हो सकता है। ब्राउजर के लिए उन्होंने गूगल क्रोम का अपडेटेड वर्जन मांगा है। अपडेटेड सिक्योर एग्जाम ब्राउजर मैंडेटरी होना चाहिए, गूगल क्रोम आपके पास होना चाहिए और इंटरनेट बैंडविड्थ स्पीड 2 Mbps+ होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन को प्रिफर्ड करा है, जो 3G 4G कनेक्शन है उसको ना चूज करते हुए उन्होंने यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन को प्रिफर्ड करा है। तो इस टाइप से ये जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट है एसेंशियल टेस्ट के लिए, ये बहुत ही जरूरी होती है दोस्तों, क्योंकि मुझे काफी सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मैंने कई बार पढ़ा है कि बहुत सारी दिक्कतें आती है ऑनलाइन टेस्ट देने में। तो दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होना बहुत जरूरी है। आप अपने हिसाब से इन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को जरूरी कर लीजिए, इनको पूरा सेटअप कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाली है। क्योंकि अधिकतर कंपनीज के अभी ऑनलाइन वर्चुअल राउंड ही हो रहे हैं, वर्चुअल टेस्ट ही हो रहा है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे। जैसे आपने इन्फोसिस का NFTQ देखा था, TCS की NQT देखी, कोडविटा देखी, तो इसी हिसाब से एसेंशियल का टेस्ट भी कुछ इस टाइप से ही रहेगा। अब दोस्तों रोल्स और सैलरी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो कंपनी है वो 2 रोल्स के साथ आई है, एक SE और एक ASC, मींस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल है। यहाँ पे 2 रोल हैं, ASE और SE। ASE में आपको एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आपको 4.5 LPA का पैकेज मिलेगा, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आपको 6.5 LPA का पैकेज मिलेगा। बेस्ड ऑन योर ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड फॉर ASE एंड SE रोल। आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे रोल दिए जाएंगे। और दोस्तों अब बहुत ही जरूरी बात है, मैं आपको जो बताने वाला था कि आपके पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड बहुत ही जरूरी है। ऑल द स्टूडेंट शुड हैव पैन कार्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग फॉर एसेंशियल। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एसेंशियल के लिए, तो आपके पास पैन कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। पैन कार्ड बहुत ही जरूरी है आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो। अभी तक आपने पैन कार्ड नहीं बनाया है तो उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में भी काम आने वाला है काफी सारी कंपनीज में। तो इस टाइप से दोस्तों ये रोल्स और सैलरी इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ दोस्तों एग्जाम डेट और नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। दोस्तों एग्जाम डेट जब भी आएगी, एसेंशियल की तरफ से कोई भी अपडेट आता है, मैं आपको चैनल पे दे दूंगा दोस्तों, अपडेट दे दूंगा। इसी के साथ मैं आपको पूरा बता दूंगा कि आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगी, जो एसेंशियल का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वहां पे हम उसकी पूरी प्रोसेस देख लेंगे करियर्स के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मेन बेसिक एम ये था कि मैं आप सभी के साथ जो नई प्रोसेस आई है उसको डिस्कस करूं। काफी जो ये नई प्रोसेस है दोस्तों, ये बहुत ही मींस अलग प्रोसेस है, थोड़ी डिफरेंट प्रोसेस है। तो इसके चलते दोस्तों ये होता है कि काफी सारे कैंडिडेट्स को प्रोसेस नहीं पता होती है, उसकी वजह से एग्जाम में काफी सारी डिफिकल्टीज आती है। तो दोस्तों वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, ये पूरी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। एसेंशियल एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको 2 रोल मिल रहे हैं SE और ASE के, आपका 4.5 LPA और 6.5 LPA का यहाँ पे पैकेज होने वाला है। तो इस हिसाब से दोस्तों एसेंशियल जब भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकालती है, मैं आपको चैनल पे अपडेट दे दूंगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर जॉब अपडेट, इंटर्नशिप कोर्सेज के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ इसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। दोस्तों जॉब अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, काफी सारी प्लेलिस्ट है, वहां पे हम जॉब अपडेट से रिलेटेड आपको बताते रहते हैं, ऑफ कैंपस ड्राइव, ऑन कैंपस ड्राइव। दोस्तों ऑफ कैंपस ड्राइव मैं आपको फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए, दोनों कैंडिडेट्स के लिए बताता हूँ। तो इसी हिसाब से आज की ये वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं वहां पे आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।